स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर मूव ऑन करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क किया हुआ है। इसमें है कि अर्ल ईबर्ट हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट सेविंग फॉर हिज रिटायरमेंट बिगनिंग ऑन हिज 21st बर्थडे। अर्ल प्लान टू इन्वेस्ट 2000 ईच बर्थडे इनटू अ सेविंग इन्वेस्टमेंट अर्निंग अ 7% कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ही विल कंटिन्यू दिस सेविंग प्रोग्राम फॉर अ टोटल ऑफ 10 ईयर एंड देन स्टॉप मेकिंग पेमेंट्स। यानी इसमें कहता है कि एक अर्ल जो एक पर्सन है, उसने अपने हर बर्थडे पे जो प्रीवियस अमाउंट है इतने डॉलर्स जो है वो सेव करना शुरू किए 7% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और उसने क्या किया 10 साल के लिए सेविंग प्रोग्राम जो है कंटिन्यू किया। 10 साल के बाद उसने पेमेंट स्टॉप करना शुरू कर दी। बट हिज सेविंग विल कंटिन्यू टू कंपाउंड एट 7% फॉर 35 मोर ईयर। तो 10 साल के बाद जितनी भी उसकी सेविंग बनी, उसने मज़ीद एक और प्लान में इन्वेस्ट कर लिया 7% पे, और 35 साल जो है वो कंटिन्यू रही सेविंग अनटिल अर्ल्स रिटायर एट द एज 65, और जब तक वो 65 साल की उम्र को नहीं पहुंच गया था तब तक उसने ये सेविंग प्लान जो है कंटिन्यू रखा। आइवाना वेट्स ऑल्सो प्लान्स टू इन्वेस्ट 2000 अ ईयर। आइवाना ने भी प्लान किया कि वो 2000 पर ईयर इन्वेस्ट करेगी अपने हर बर्थडे पे एट 7% एंड विल डू सो फॉर अ टोटल ऑफ 35 ईयर्स। अब वो 7% पे उसने कहा कि वो सेव 2000 पर ईयर सेव करेगी 7% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और 35 सालों के लिए। हाउएवर शी विल नॉट बिगिन हर कंट्रीब्यूशन अनटिल हर 31st बर्थडे। How much the Earl and Ivana saving program be worth at the retirement at the age of 65? Who is better off financially at retirement and by how much? तो इसमें ये कहा है कि एक आइवाना का प्लान है और एक जो है वो अर्ल का प्लान है। तो इसमें कहा है कि इन दोनों में से किसका प्लान ज़्यादा बेहतर है फाइनेंशियली, किसको मुनाफा हुआ है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अच्छे इस क्वेश्चन दो पार्ट हैं। इस पहले पार्ट में जो है जो अर्ल है उसने क्योंकि 2000 जो है इन्वेस्ट करना था ईच बर्थडे, तो बर्थडे हमें पता है कि हर साल के लास्ट पे बर्थडे सेलिब्रेट की जाती है, तो क्योंकि ईच का वर्ड है तो इट मींस कि ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, यानी हर साल देनी है और सिमिलर अमाउंट है और हमारा ड्यूरेशन भी सेम है, दैट्स वाई ये एनुइटी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एनुइटी ड्यू है या ऑर्डिनरी एनुइटी है? तो हमने ये पता है कि जब हर बर्थडे आता है तो जब हम पूरा साल स्पेंड कर लेते हैं तो साल के लास्ट पे जो है वो बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है एट द एंड, तो फिर हम 1 ईयर के हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब एट द एंड जो है वो कैश फ्लो किया जाता है तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी एनुइटी होती है। अब जी इस सवाल के पहले पार्ट में चूँकि ये बताया था कि उसने सबसे पहले जो है 7% पे इन्वेस्ट किया और वो 10 सालों के लिए किया और फिर स्टॉप मेकिंग पेमेंट की, यानी पहला 10% 2000 हर साल और 10 सालों के बाद उसने पेमेंट स्टॉप कर दी। तो अब हमने यहाँ पर करना ये है कि हमारे पास जो एन है वो 10 ईयर है, एन हमारे पास 10 आ जाएगा, आई हमारे पास जो है वो 7% आ जाएगा और आर हमारे पास जो है वो 2000 आ जाएगा। और क्योंकि ये एट द एंड है दैट्स वाई ये ऑर्डिनरी एनुइटी है। तो ऑर्डिनरी एनुइटी के लिए हमने फार्मूला लगाया फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एनुइटी इज इक्वल टू आर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो हमने यहाँ पे आर की जगह पे 2000 किया, 1 प्लस 0.07 यानी 7 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.07 आ गया, रेज टू पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.07। इसकी हमने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 13.8164 एक फैक्टर आ गया, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी। ठीक है, इसको हम फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी का नाम देंगे, सॉरी दिस इज़ एफ। अब इसको हमने 2000 आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 27632.89 आ गया। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है जो कि हम मज़ीद, उसने कहा था कि 35 सालों के लिए मज़ीद वो इन्वेस्ट करेगा,
तो ये हमारे पास 10 साल के बाद वाली वैल्यू आ जाती है। लेकिन इसमें हम क्वेश्चन का हम अगला पार्ट अगर देखें तो उसने कहा बट दिस सेविंग विल कंटिन्यू टू कंपाउंड 7% फॉर 30 मोर ईयर्स, जब तक वो 65 साल का नहीं होगा उसने 35 सालों के लिए मज़ीद इसको इन्वेस्ट कर दिया। तो अब हमने यहाँ पर करना ये है कि जब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट किसी पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं। और वो सिंपल फार्मूला हमारे पास ये है कि फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू पी नॉट 1 i^n। तो ये अमाउंट अब मज़ीद उसने 35 सालों के लिए इन्वेस्ट करनी है, दैट्स वाई ये हमारा पी नॉट है, ये हमारा इनिशियल डिपॉजिट होगा। 1 0.07% को 0.07 लिखेंगे, रेज टू पावर 35 करेंगे, 1 0.07 की आपके पास जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू है वो आ जाती है 295024। यानी ये वो वैल्यू है जो हमारे पास पहले तो उसने 10 साल के लिए जो कि ऑर्डिनरी एन्युटी था उस प्लान में इन्वेस्ट किया, एंड देन 10 साल के बाद उसने जो है वो इनिशियल डिपॉजिट करके मज़ीद 35 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। तो इन दो ज़रिया से उसने कैश फ़्लो जनरेट किया और ये मुकम्मल तौर पे जो कैश फ़्लो है, जो फ्यूचर वैल्यू है, ये हमारे पास 295024 की अमाउंट में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि आइवाना का क्या प्लान था। तो आइवाना के प्लान के लिए वो आगे ये कहता है कि आइवाना ने सिंपल ये किया था कि उसने प्लान किया था कि वो हर साल 2000 रुपया ईच बर्थडे को इन्वेस्ट करेगी और 7% पे, और वो 35 सालों के लिए ये काम करेगी। यानी इसमें वो हर बर्थडे यानी एट द एंड, तो इट मींस के ये ऑर्डिनरी एन्युटी है 7 सालों के लिए, आई आपके पास 7% है और 35 ईयर्स के लिए। तो इसमें हम सिंपल जो है वो ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे 35 ईयर्स के लिए। तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी इज़ इक्वल टू आर 1 i^n-1/i। यहाँ पे जब आइवाना का प्लान है तो इसमें भी वो उसके पास आर जो इंस्टॉलमेंट है वो 2000 है, ठीक है, फार्मूले का 1 आ गया, प्लस वो 7% पे इन्वेस्ट कर रही है तो 0.07 अब वो 35 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रही है, 35 - 1/0.07। तो इसकी हमने अब कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन में ये आ जाएगा 7 / 1 - 1.07। तो हमारे पास, सॉरी इट्स बीन रॉन्ग, आई अगेन कैलकुलेट दिस, बस यही फैक्टर आया है तो आई थॉट कि ये रॉन्ग है, इतना बड़ा फैक्टर कैसे आ सकता है। लेकिन है हमने इसको लिख लेना है 138.2368। अब हमने इस फैक्टर को हमने 2000 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो है आंसर आ जाता है 276473। तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी इज़ इक्वल टू 276473। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अर्ल का प्लान है उसकी अमाउंट जो है 295024 आया है, और जो आइवाना की है वो 276473 आया है। तो हमें मतलब दोनों को देखने से ही पता चल रहा है कि जो अर्ल का प्लान है उसकी वर्थ ज़्यादा है आइवाना के प्लान से। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, अर्ल्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम is worth 18553 dollar more at retirement than Ivana program। तो ये हमने इन दोनों का डिफरेंस देख लिया है, 295024 को माइनस किया 276473 से तो हमारे पास 18553 आ गया। यानी अर्ल का जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है वो इस अमाउंट से ज़्यादा है आइवाना के प्रोग्राम्स।